ये बिगुल बज रहा है 2022 विधानसभा चुनाव का। ये बिगुल है चुनावी रण का। ये भव्य स्वागत है निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह भंडारी का। और एक बेहतरीन चुनाव डिडिहाट विधानसभा का आपको यहाँ पर दिखने वाला पुत्री उत्तराखंड देवभूमि में 70 सीटों में सबसे दमदार चुनाव, जहाँ पर एक और होंगे पेयजल मंत्री और 5 बार के विधायक और दूसरी ओर होंगे निर्दलीय प्रत्याशी किशन भंडारी। लोकप्रिय नेता किशन दा काफी समय से डीडीहाट की जनता को मुफ्त राशन का वितरण कर रहे हैं। आज के 24 न्यूज कनाली छीना ब्लॉक देवलथल पहुंचा, जहां किशन सिंह भंडारी कर गरीब जनता को राशन किट सहित कंबल बांटने पहुंचे थे। भंडारी जैसे ही देवलथल पहुंचे, ग्रामवासियों ने ढोल दमुआ और छोलिया नृत्य से टीम किशन भंडारी का भव्य स्वागत किया। किशन भंडारी अब तक कई गांव में जनसभाएं कर चुके हैं, जिसके तहत करीब 10,000 से ज्यादा क्षेत्र की जनता लाभान्वित हुई है। वहीं आज किशन सिंह भंडारी ने देवलथल के आसपास के कई गांव के सैकड़ों लोगों को निःशुल्क राशन एवं कंबल बांटा। देवलथल की जनता ने टीम किशन भंडारी और किशन भंडारी का स्वागत के साथ साथ तहे दिल से आभार प्रकट किया। किशन भंडारी भी जनता का अपार स्नेह एवं आशीर्वाद पाकर गदगद नजर आए। K24 न्यूज से बातचीत के दौरान किशन भंडारी ने बताया कि 2022 का चुनाव तो वो लड़ेंगे ही, लेकिन ये सब सामाजिक कार्य वो करते आए हैं और करते रहेंगे। इसमें ब्लॉक प्रमुख बना तब से सामाजिक काम करते आ रहा हूँ और ये मुहिम मेरी लगातार रहेगी। चुनाव जीतना हारना अलग विषय है और 2022 का बिगुल तो पहले ही फूंक दिया हमने। हमने तो लड़ना ही लड़ना है चुनाव, तो इसीलिए राशन बांटना सामाजिक काम है। सामाजिक काम ये मैं करता रहूंगा और 96 से कर रहा हूँ। आप जनता से किसी से भी पूछ लीजिए। आपको बता दें कि किशन भंडारी पूर्व में भी कई इलाकों में मुफ्त राशन, मुफ्त सब्जियां, पेयजल, मास्क, सैनिटाइजर आदि चीजों का वितरण करते आ रहे हैं। वहीं भंडारी ने कई गरीब कन्याओं का कन्यादान भी अपने निजी संसाधनों से किया है। कोरोना काल में हंस फाउंडेशन के साथ मिलकर भंडारी 108 एम्बुलेंस निशुल्क सेवा भी क्षेत्रवासियों को दे चुके हैं। 2022 में किशन भंडारी का 5 बार विधायक एवं मौजूदा पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल से सीधा मुकाबला है। अब देखना यह है कि 2022 में जनता जनार्दन किसे जीत का आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।